आप जनीवा में गए वहाँ की ताज़ा वहा आपने उससे वहां से मुस्तफीद हुए तो यकीनन उसका तो, रिफ्लेक्शन आप मेरे चेहरे में मुबारक से महसूस आ रहा है मुबारक पर आ रहा है अच्छा ये बताएं कि वहाँ पर क्या आपकी एक्सपीरियंस रही क्या किसी सेमिनार से खिताब भी किया या आपने वहाँ पर लोगों से उनकी बातों से मुस्तफीद हुए क्या बातचीत हुई फ्लोर इज योर्स थैंक यू डॉक्टर साहब अच्छी बात जो असल में जिने तो वक्त वही रस्म और रिवाज हैं वही तरीक़ाकार हैं सारा कुछ ही है अक्सर लोग हमारी तरह टाइयाँ बांध के चले जाते हैं फिर फोटो खिंचवा कर यहाँ भेज देते हैं चलो या फेसबुक की कवरेज हो जाए हम भी लीडर बने बात वहाँ लीडर बनने के नहीं है वहाँ पर बात है जनरली अच्छी अच्छी वैसे होता है वहाँ पर गप शप भी हो जाती है हॉलीडेज भी हो जाता है कोई ब्रेक भी मिल जाती है और कुछ न कुछ अपने मादरी वतन जो है उसके मतलब मुको मुस्कबिल का क्या हाल लाए अमल होना चाहिए कैसे होना चाहिए गुफ्तूल या तक तो हम कर सकते हैं ना प्रैक्टिकली इसका क्या बनेगा वो हिसाब है तो इस दफा जो मैंने चीज़ महसूस की डॉक्टर वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी अक्सर वहां पर जो कश्मीरी थे ना अक्सर जिनके से हमारी मीटिंग की एक नहीं बल्कि तीन चार मीटिंग डिफरेंट मकाम पर डिफरेंट लोगों से हुई उसमें इंडियन हेल्थ कश्मीर के, के जो कश्मीरी थे वो भी थे जो कश्मीर जिसको कहते हैं यानी पाकिस्तान हेल्थ कश्मीर के जो लोग थे वो भी मौजूद थे और जो एक बड़ी कॉमन गुफ्तु एक मैंने जो महसूस की वो हर बंदा फिकर मंदा ये फिक्रमंद है और ये कहने को लिए तैयार है कि भाई हमारे वतन का फैसला तो हो गया है हर एक अब अब आप आगे उसका मतलब अपना निकाल निकालता क्या फैसला हुआ है और किसने फैसला किया है लेकिन कॉमन चीज वही आती है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में फैसला करा बिल्कुल वो यहाँ तक लेके जाते हैं कि जो मोदी सरकार ने जो थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव ए का रिवो करके जो मामला किए थे स्पेशल जो स्टेटस था जम्मू कश्मीर को उसको ख़त्म करने को तो वहां से शुरू हुआ असल में उस वक़्त ये एग्रीमेंट हो गए थे आपस में सारे मामला भाई क्या करना है अब सब वक्त का इंतजार करेंगे कौन सा अच्छा वक़्त होगा जिसमें ये ऐलान कर सकें ओपनली कि भाई हमने इसको तकसीम कर दिया बॉर्डर लाइन जो है शेस्ट लाइन जो है जो जो भी है उसको वही उनके परमानेंट होती है इस वक्त पोजिशन उसके साथ साथ जो होता है ना हमारे लिए एक और फिक्र की बात ये सामने आई है वहाँ पर कि भाई चलो अगर फर्ज किया उन्होंने कहा उन्होंने आपस में तकसीम कर लिया एग्रीमेंट वगैरह हो गया तो गिलगित पुस्तान को तो सुबह सुबह नमा या सुबह जैसा उस टेप को में कोई नाम वगैरह ले ले आ रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं इतनी आबादी का मेरे ख्याल में कम अज़ कम सुबह नहीं हो सकता उनका क्या करेंगे ये गॉड नोज लेकिन जहाँ तक जहाँ कश्मीर का तलक है इसके लिए लोग फिक्रमंद हमारा क्या बनेगा बल्कि वो नहीं कहते तो वो फिल्म में बकवास सुना तो वही कहते तेरा क्या बनेगा कालिया वो कालिया वाला सबका हमारा क्या बनेगा ये क्वेश्चन मार्क है उसमें मजाक मजाक में कह रहे थे एक तो अच्छे आप जानते हैं बहुत से लोग हैं काफ़ी अच्छी तबीयत के लोग हैं लोगों कहा मुझे तो यार आप तो पिंडीवाली बन जाएंगे आप लोग तो ठीक रहेंगे क्योंकि आप की आबादी खासी है राउट पिंडी इस्लामाद में तो पिंडीवाली कहलाने से तो आप बेहतर रहेंगे लेकिन हमारा क्या बनेगा वो तकरीबन आपके इलाके का बंदा था उसको कह हमें गुजरात के साथ मिलाएंगे अल्लाह खैर करे अब करेंगे हम क्या क्या करेंगे तो वो हिसाब हसा कि बनता है इस चीज़ में मजाक अपनी जगह पर है लेकिन इस चीज़ की फिक्र तो है एक तो सबसे बड़ी फिक्र है हमारी शराफत ख़त्म हो जाएगी वी वॉन्ट बी कश्मीरी एनी वी विल बी इधर रब पिंडी वाली या गुजरा के साथ गुजराती हो जाएंगे या जहाँ कहीं भी सिर्फ खुपा छुपाया वो सिर्फ खपाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं भाई जहाँ जहाँ से कोई बॉर्डर मिलेंगे जो जो मिलते जाएंगे उसको उन्होंने कर लेना है और ये चीज़ हमारे लिए हमारी कौम के लिए सबसे बड़ी बदनसीबी होगी कि एक ऐसी कौम जो जिसकी तारीख हज़ारों सालों पर मुहित है जिसकी शिनाख्त हज़ारों सालों पर मुहित है जो एक मकाम रखती थी जो 1947 सेवन से पहले अगर आप देखें तो उस इस कौम का जिसको कश्मीरी कौम कहा जाता रहा था जहानत में भी अमली कामों में भी जमहूरीत में भी और नेशनल असम्बली वगैरह बनाने में भी सबसे आगे ये कौम थे और वो किसकी कि शनाख्त वो अपनी शनाख्त खो के अब बनने जा रही है वो कौम जो उसकी पैदावार नाइनटीन फोर्टी सेवन में हो रही है असल में नाइनटीन फोर्टी सेवन से पहले मेक इट वेरी क्लियर कि नाइनटीन फोर्टी सेवन से पहले दरवाज नो पाकिस्तान नो पाकिस्तानी मुख्तलफ लोग थे पश्तून थे इधर से बलोचिस्तान में बलोच थे पंजाब में पंजाबी थे लेकिन जो जम्मू कश्मीर को था वो जम्मू कश्मीर की पूरी की पूरा वो इलाका जम्मू कश्मीर के रियासत मौजूद थी कानून थे कायदे थे अकल और शहूर था तालीम थी हर चीज़ मौजूद थी इस तरफ तो बिल्कुल तो तो ऐसी चीज़ थी भी नहीं आज हमें बदकसमती से अपनी अपनी वो शिनाख ख़त्म करके हमें पाकिस्तानी बनना है और फिर पाकिस्तानों के अंदर अंदर हमें पंजाबी भी नहीं पंजाबी फिर भी बेहतर होगी वो पंजाबी तो कल आ सकते हैं वो भी कलवाने के काबुल हो गया तो यादों तो माजर का आ जाएगा उस वक्त ये महाजरीन इस्लाम कहते हैं महाजरीन फाइव के और महाजरीन नाइनटीन फोर्टी सेवन के आप शबीर चौधरी अब्बास पर महाजरीन में शुमार होगा उनका ये जहन में बैठा के रखें आप अच्छा भट्ट आपने की बातें सुनी और परेशानी भी उसमें इजाफा हुआ मुझे ये तो बात यह आकी नहीं है कि एक तो ये है कि दोस्तों से आप ऑलरेडी अपनी जगह लेकिन दोस्तों से मुलाकातें होती हैं तो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और पता लगता है अभी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा तो आप ये कह रहे हैं कि एक तो ये तकरीबन कंसेंसस है कि इंडिया और पाकिस्तान ने जो जो कुछ भी किया 2019 में अगस्त में हुआ वो क्या एक तो ये बात आ गई दूसरी बात यह है कि उस मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि इसका ऐलान कब किया जाए आस्था आसान चेंजेस करेंगे तीसरी बात जिसका मैं मैंने महसूस किया वो ये है कि मायूसी आ रही है लोगों में भी अब हमारा क्या बनेगा तो फिर ना तो तो सर जिनसे जिन उम्मीदें वस्ता थी अब वो उम्मीदें जो थी वो टूट रही हैं तो ये कुछ होना था न? अच्छा तो फिर आप ए, आपने जिक्र कर दिया भाई और इस इसको इस, साथ ही से अगर ऐड करें मर्दम शुमारी भी हो रही है और उसके बारे में भी काफ़ी ना रिजर्वेशन कि हमारी शनाख्त है ही नहीं है ना जुबान का है ना हमारी कोमीद का वहाँ पर है कुखाना दूसरे में पाकिस्तानी बना दिया जाएगा और आपने कहा है कि आप पिंडी वाले बन जाएंगे तो मेरा बारे में आप कह रहे हैं कि कि मेरा जो घर है वो नजाद जा, जा, कश्मीर और गुजरात की जो सरहद है वो सिर्फ तीन किलोमीटर के इससे ज्यादा नहीं है आप तो गुजराती बोल सकते हैं मेरे हाँ में तो। दिवाली चलो हो जाता है वो भी टाइप है ना तो वो चल जाता है हमारे साथ लेकिन गुजरात वाले तो उनके पंजाबी भी थोड़ी डिफरेंट है ना लैंग्वेज इस उम्र में आपको सीखनी पड़ेगी तो हालात और मसला भी है ना कि हमारे पुरानी बात है कि हमारे एक रिश्तेदार थे अंकल कहते थे हम उनको तो आ, ये ये पुरानी बात देख लें कम से कम तीस पैंतीस चालीस साल की बात होगी तो यहाँ पर का, वो एक रुक पर रुक जिस से आप जा रहे थे आपका मुर्गल अंदाजा हो जाता चालीस साल पहले की बात है तो वो काम कर वहां पर एक मीरपुर का आदमी था तो एक गुजरात का तो उनके आपस में बहस होगी मीरपुर वाला कहने लगा कि गुजरात वाले बड़े बेईमान हैं तो गुजरात वाला कहने लगा कि नहीं मीरपुर वाले बेईमान हैं तो जो मेरे अंकल थे वो भी वहां पर बैठे हुए थे तो वो बड़े यानी बातचीत तरीके से करते हैं दलील से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि गुजरात वाले ने कहा भी अंकल आप बताएं कि फैसला करें कि गुजरात वाले ज्यादा बेईमान है या मीरपुर वाले मैंने कहा बेटा अभी आप आपस में बातें कर रहे हैं करते रहे तो मुझे ना इसमें शामिल करें और फिर कहने नहीं, नहीं अंकल आप बड़े पर्याय के आदमी हैं बातचीत करने वाले आदमी हैं समझदार हैं आप बताएंगे दो बार इन्होंने नकार किया है जब तीसरी बार उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा, तो कहा बेटा आप आराम से सुनो तो उन्होंने कहा भी गुजरात का इमाम मस्जिद और मीरपुर का जो दस नंबरी जिसको कहते हैं वो बराबर है तो मतलब यह कहने का कि अगर किसी कि को तो बात बुरी लगी है लेकिन यह सच्ची बात है लीफा नहीं बना रहा ये ठीक है इसका तो मतलब है है कि परेशानी के बाद लिए तो खास से ज्यादा परेशानियां हो गई ना फिर तो ये नज़ारा इस वक्त भी हमारे यहाँ यह होता है कि अक्सर होता था और अब भी होता है कि वहां से लोग आते हैं वह आजाद कश्मीर में डाली और उसके बाद वो शराब तो बनी हुई नहीं ना उस में लोगों को अंदाजा है कि ये आगे जो है ना ये गाँव अब पाकिस्तान का है और ये आजाद कश्मीर का है वो चले जाते हैं और आजाद कश्मीर की पुलिस वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कर सकती अगर ये बात होगी तो इट इज नॉट गुड न्यूज फॉर अस फिर मैं इसमें सारी चीज के बाद क्वेश्चन यह है कि हमारे यहाँ ये यह कहा जाता था, था कि बच्चा बच्चा कट मरेगा तो वो खुद बच्चा बच्चा वाली जो बातें करते थे नहीं तो उन्होंने कहा नहीं सुबह नहीं बनेगा तो उसको सुबह कब बना रहे हैं आपको अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा, बच्चा कट मरेगा दूसरा हिस्सा बढ़े अच्छा अच्छा तो सुबह नहीं बनेगा

मिजाक में कहा या तो ले, देना चाहते थे तो ले लो उसमें कौन से आ जाए अमरीका से ले सकते हैं तो हिंदुस्तान से लेने में कौन सा जुर्म है पैसे देंगे लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी पैसे मांग ही नहीं रहे हैं वो कहते फ्री देंगे लेकिन शर्त यह हम खुद जाकर तकसीम करेंगे आप देख लें ये कहाँ तक बात जाती है यानी हिंदुस्तान अगर उसको अलो कर दिया जाए तो वो आजाद कश्मीर गली हिंदुस्तान को अपने इलाके से समझते हुए वहां तक करेगा और मुझे इस चीज़ की फिक्र परेशानी में मुबतला हो जाता हूँ मैं कि जब अगर वो यहाँ तक सोच है उनकी तो बेशक फैसला हो जाए आरजी तौर पर मैं सरहदूँ का कल तो फिर ये इलाके भी पता नहीं हम पाकिस्तानी होंगे या हिंदुस्तानी होंगे इसकी भी समझ में नहीं आ रही है कुछ ना कुछ तो मैं बनना है लेकिन ये क्या बनेगा हमारा ये कोई नहीं पता अच्छा नहीं ये जो गंदम वाले तो मेरे भी कुछ लोगों से बात हुई थी उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तानियों पर पा यकीन नहीं कर सकते कि अगर वो पाकिस्तानी कह रहे थे कि गंदम हमारे वाले करें और हम तकसीम करेंगे तो इंडिया वाले कहते हैं साहब ये उस सवाले से बात हो रही थी कि ए, ए, उन पर ट्रस्ट की वजह से या उनको फ्यूचर बनाने की भी कुछ हो रहा हो पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना तो जो नहीं दूसरे है कि आप अच्छी खबर नहीं लेकर आए नहीं सर इस वक्त वैसे भी जितने भी खबरें हैं वैसे परेशानी की खबरें झूठ नहीं है गम अपनी कर लेते हैं शुक्ल शक्ल लगा लेते हैं ये पर और के में देखा जाए तो परेशान कन बातें है ये सारी जितनी हो रही है बिलखसूस पाकिस्तान की तो ऑलरेडी है ही है ना मायूसी वहां का अब तो हर रोज मायूसी में इजाफा ही हो रहा है कमी नहीं आ रही है और ना इसको कुछ हाथ लगा रहा है ना वो हाथ लगाने की जरूरत है किसी को पता है क्या क्या, क्या मसायल है, लंबे है उसके। लेकिन इसके साथ -साथ का का, हम लोगों का इजाफा हो रहा है कमी नहीं आ रही है बल्कि मायूसी भी सही जा रही है और बाकी बहुत सी चीजें इसमें आ रही है चलो फिर इनशाला बैठेंगे होगा लेकिन कोई अच्छी खबरें नहीं है सिर्फ एक बात बता दें कि सुना है कि गिलगित से बस चलेगी और मुजफ्फराबाद तक आया करेगी एक वक्त ये था कि किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी जो लोग आज़ाद कश्मीर से सो आज़ाद कश्मीर से जाते थे उनको या तो रोक लिया जाता था या उनको पकड़कर दूर दराज जंगलों में छोड़ाया करते थे

अब तबाद से गुजरी पिंडी वालिया सोच से गुजरी उसमें क्या फर्क पड़ेगा लेकिन अगर अगर, अगर पिंडी वालिया है नहीं आबास कोरली का पहाड़िया है तो उसके लिए फर्क तो यकीन पड़ेगा ये भाई मैं अपनी रियासत से चला पाकिस्तान में दाखिल हुआ फिर पाकिस्तान से एग्जैक्टली फिर मैं जाके फिर दोबारा अपने रियासत के हिस्से में चलना शुरू हो गया हालांकि वो जो एक टनल बनाई जानी चाहिए थी उससे रास्ता भी बहुत शॉर्ट हो जाता है रास्ता महफूज भी हो जाता है मेरे ख्याल में काफी लोगों की के लिए है कि नीलम से अस्तोर जो है ना एक छोटा सा टनल बनाने की जरूरत है वहां से वो जा सकते हैं और वैसे जो तीन महीने होते हैं ना जहाँ बर्फबारी बर, बर नहीं होती और सर, मौसम ठीक होता है तो लोग पार्टीशन से पहले भी तजार्त किया करते थे ठीक है

तो इसमें इस अगर आपने मौका दिया है या एक आधा मिनट मुझे दे दें तो मैं कम अज़ कम तनवीर तो याद साहब का मैं बिल्कुल तनकीद करता रहूँ उन पर हमेशा से करता रहूँ करूंगा भी फ्यूचर में जब भी कोई गलत काम होगा तो कौमी मुफाद में नहीं होगा लेकिन कम अज़ कम उनके इस इकदाम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनसे ये, ये दरख्वास करता हूँ उनकी कोशिश करें अगर वो आ, स्टोर वाला रास्ता खुल सके तो वो ज्यादा खर्चा जरूर आएगा टनल बनाने में लेकिन इतनी बड़ी टनल भी नहीं है बनती वहाँ पे बड़े बड़े लोगों टनल बना के लेके चले गए तारी, तारी, तारीखी तौर पर तनवीर साहब के नाम पर वो टनल करेंगे वो अपने जेब से भी बनवा सकते हैं माशा तो फेंक तो कुछ ना कुछ एक्जैक्टली exactly ये बात कहने वाला था कि उसका नाम जो है ना इनके नाम पर आ देंगे टनल को अगर मुराद से नाम पर टनल बन सकता है और खर्चा मुराद से नहीं किया था ठीक है तो, तो उस पर मैं कुछ नहीं कहता जी आप ना कहें ठीक है तनवीर इलाज साहब को मैं मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा जो ये नारा मारूंगा इस टनल का नाम ही तनवीर इलाज सरदार तनवीर इलाज टनल होना चाहिए तो दैट, नाजरीन आपने बातचीत सुनी है हमने हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत की है लेकिन मतलब की बात जो है हमने जो करनी थी वो कर दी है कि मायूसी जो है इस आंधी बहुत शायद आपसे डिवाई इंडिया और पाकिस्तान हमारे साथ क्या करेंगे हमें पता नहीं है उन्होंने जो कार्ड्स हैं छुपा कर रखे हुए हैं आसास्त बातें नज़र आ रही हैं जो मर्दमशुमारी वाला मसला है वो भी यानी एक तशवीशनाक है तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो है ना हमारी शनाख्त ख़त्म कर दी जाएगी लेकिन उस पर जो है ना फेसबुक पर जो नजायज हमारे बैठे हुए हैं और जो क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि बच्चा बच्चा काट मरेगा और पता नहीं क्या, क्या कहते हैं भाई हम पहले न्यू दिल्ली पर जंडाल आएंगे फिर वाशिंगटन तक जाएंगे वो इसको क्यों लाल किला लाल किला फतह करने आ, के चक्कर में के हमने अपनी कोंडली भी खो दी बस ये बात है इसी बार खत्म करते हैं हमारी तरफ से हाफिज़ लुक आफ्टर योरसेल्फ थैंक यू जी डॉक्टर साहब थैंक यू एवरीबॉडी